Good morning, students. We had already learned that the selfish giant, his garden, and the children who used to play in it. There was once a giant who had a beautiful garden. He had gone to visit his friend for 7 years. When he returned home, he found that children used his beautiful garden as their playground. Now we will read part 2. Before you read, to celebrate the return of the children, trees covered themselves with buds and blossoms. जब बच्चे वापस गार्डन में आ गए तो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए पेड़ पौधे जो थे वो अपने आप को कलियों से और पक्षियों से ढक लेते हैं. The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. जायंट जो है वो बहुत खुश हो जाता है कि उसके फ्रेंड्स जो हैं वो वापस आ गए हैं, स्पेशली वो बच्चा जिसे वो बहुत प्यार करता था. द लिटिल बॉय सून डिसअपीयर्ड वनली टू रिटर्न मच लेटर. जल्दी ही वो बच्चा कुछ समय दिखने के बाद वो गायब सा हो जाता है. ही सॉ अ मोस्ट ब्यूटिफुल साइट. जायंट जो था वो एक बहुत खूबसूरत सीन देखता है. Through a little hole in the wall, the children had crept in. एक वो जो दीवार खड़ा किया था उसने, उसमें से एक होल हो गया था जिससे बच्चे अंदर आ गए थे और धीरे धीरे वो अंदर आ गए थे. And they were sitting in the branches of the trees. और वो पेड़ की शाखाओं पर बैठ गए थे. In every tree that he could see, there was a little child. और वो हर पेड़ को जहाँ देखता था उसकी नज़र पड़ती, वो देखता है कि सारी शाखाओं पर एक एक बच्चा है. एंड द ट्रीज़ वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन. और जो पेड़ पौधे थे वो भी बहुत खुश थे कि बच्चे जो है वो वापस मेरे पास आ गए हैं. दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विथ ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली. और वो जो पेड़ थे वो बहुत खुश हो गए थे और वो अपनी जो ब्रांचेस हैं उनको फैलाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं. वो अपनी खुशी को दिखाते हैं जिसके कारण उनकी कलियां निकल जाती हैं और बर्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं. मौसम पूरी तरह चेंज हो जाता है. अबव द चिल्ड्रंस हेड्स द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट. और बच्चों के सर के ऊपर बहुत सारे पक्षियाँ थीं जो चहचहा रही थीं. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. और जो ग्रीन ग्रास थे, फ्लावर्स थे, फूल थे, वो सब बहुत खुश लग रहे थे. इट वॉज अ लवली सीन. वो जो था वो बहुत प्यारा सीन था. वनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टील विंटर. बस एक कॉर्नर था जहाँ पे अभी भी ठंड थी. इट वॉज द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. वो एक बहुत दूर एक कोना था, वहाँ पे अभी भी जो मौसम था वो विंटर का था. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की शाखा पर चढ़ नहीं पा रहा था. एंड ही वॉज फॉन्टरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली. और वो बहुत बिटरली का मतलब होता है बुरी तरह. और वो राउंड राउंड घूमता, बहुत रोता था, बहुत चिल्लाता था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट अबव इट. और वहाँ पे जो मौसम था वो बिल्कुल पहले की तरह बना हुआ था, यानी कि ठंड था वहाँ, ओले, बर्फ सब कुछ पड़ रहे थे. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. वहाँ जो पेड़ था वो कहता कि चलो ऊपर आ जाओ छोटे बच्चे. एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज स्लो एज इट कुड. और वो अपनी शाखाओं को बहुत नीचे तक झुकाता, जितना उससे हो सकता था वो झुकाता था. बट द बॉय वॉज टू टीनी. लेकिन वो जो बच्चा था वो इतना छोटा था कि वो उस पर चढ़ ही नहीं पा रहा था. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. और उसका जो दिल था, हार्ट था, वो एकदम पिघल गया जब उसने वो सीन देखा कि बेचारा शाखा भी इतना कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मैं उसे ऊपर उठा लूँ, लेकिन वो बच्चा इतना छोटा था कि वो वहाँ चढ़ नहीं पा रहा था. और उसके नहीं चढ़ने के कारण वहाँ का जो मौसम था वो बिल्कुल पुराना ही बना हुआ था. हाउ सेल्फिश आई हैव बिन. और ही सेड, वो खुद से कहता है कि मैं कितना निर्दयी हूँ.
Now I know why the spring would not come here. अब मुझे पता चला कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आ रहा था. I will put that poor little boy on the top of the tree. मैं जाऊंगा और उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को, उस पेड़ पे बिठा दूंगा. And then I will knock down the wall. और फिर मैं जाकर के इस दीवार को तोड़ दूंगा. And my garden shall be the children's playground. और मेरा जो गार्डन है वो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बना रहेगा, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए. He was really very sorry for what he had done. और वो बहुत बुरा फील करता है, बहुत उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था. So he crept downstairs and opened the front door quite softly. वो नीचे उतरता है सीढ़ियों से जल्दी से और फ्रंट डोर को धीरे से ओपन करता है. एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन और वो गार्डन में चला जाता है. बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रन अवे. और जब बच्चे उसे देखते हैं तो वो इतने डर जाते हैं कि वो जल्दी से वहाँ, फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, और वो इतने डर जाते हैं जायंट को देखकर कि वो वहाँ से बहुत तेज़ भागते हैं. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन. और जैसे ही बच्चे वहाँ से जाते हैं वहाँ का मौसम फिर से ठंड का हो जाता है. वनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन. बस एक वो छोटा बच्चा था जो भाग नहीं पाता है. फॉर हिज आइज वर शो फुल ऑफ टीयर्स. क्योंकि उसका जो आँख था वो पूरी तरह आंसुओं से भरा हुआ था. दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग. और वो इस कारण से देख नहीं पाता है कि जायंट आ रहा था. एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स. और वो उसके पीछे जाता है, वो पीछे, उसके पीछे. स्टोल अप का मतलब होता है कम क्वाइटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड. वो बहुत धीरे धीरे उसके पीछे आता है और उसे बहुत प्यार से अपने हाथों में उठाता है. एंड पुट हिम अप इन टू द ट्री. और उसे पेड़ पे बैठा देता है. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लॉसम्स एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट. और जैसे ही वो बच्चे को वहाँ बिठाता है वहाँ पर कलियाँ खिल जाती हैं, बर्ड्स आकर के गाना गाने लगते हैं. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स. और वो जो छोटा बच्चा था वो अपनी बाँह फैलाता है. एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट स्नेक. और उसके गले को पकड़ लेता है. एंड किस्ड हिम. और उसे किस करता है. एंड द अदर चिल्ड्रेन. और फिर जो और बच्चे थे, अदर बच्चे थे, व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वॉज नॉट विकेड एनी लॉन्गर. और जब वो बच्चे जो भाग जाते हैं डर के, वो देखते हैं कि अब तो जायंट बुरा नहीं है. केम रनिंग. तो वो दौड़ते दौड़ते अंदर आते हैं. केम बैक. और वो फिर से वापस आते हैं. एंड विद देम केम द स्प्रिंग. और उनके साथ साथ वसंत ऋतु भी अंदर आती है. इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रेन सेट द जायंट. और वो जायंट जो है वो कहता है कि ये तुम्हारा गार्डन है प्यारे बच्चों. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल. और वो क्या करता है कि कुल्हाड़ी लाता है और सारी दीवारों को हटा देता है. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट्स प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन. और जब 12 बजे के लमसम जो लोग थे आसपास के वो मार्केट जाते तो उन्होंने देखा कि अरे जायंट जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है. और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना सुंदर गार्डन देखा है. All day long they played. पूरे दिन वो लोग खेलते रहते. And in the evening they came to the giant to beat him goodbye. और फिर शाम के टाइम वो आते बच्चे जायंट के पास और उन्हें गुड बाय करते. But where is your little companion? He said. तो जायंट ने कहा कि तुम्हारा वो छोटा दोस्त कहाँ है. द बॉय आई पुट इन टू द ट्री जिसे मैंने उस पेड़ पर बिठाया था. द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. जायंट जो था वो उस बच्चे को बहुत प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे ने उसे किस किया था. तो जायंट उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ है. वी डोंट नो एंसर्ड द चिल्ड्रेन. तो बच्चे कहते हैं कि हम नहीं जानते उसे. ही हैज़ गॉन अवे. वो लगता है चला गया है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जायंट. तो जायंट कहता है कि तुम लोग उसे बता देना कि वो भी यहाँ आए अगले दिन.
But the children said that they did not know where he lived. फिर बच्चे कहते हैं कि लेकिन हम तो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है and had never seen him before and the giant felt very sad. और बच्चे कहते हैं कि हमने तो पहले उसे देखा भी नहीं है कि वो कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, तो हम कैसे बोलेंगे उसे. तो फिर ये सुन कर के giant जो है वो बहुत उदास हो जाता है. Every afternoon, हर दोपहर, when school was over, the children came and हर दोपहर जब स्कूल ख़त्म हो जाता, स्कूल बंद हो जाता, तो बच्चे आते एंड प्लेड विद द जायंट और जायंट के साथ खेलते. बट द लिटिल बॉय हुम द जायंट लव वॉज नेवर सीन अगेन. लेकिन वो छोटा बच्चा जिसे जायंट बहुत प्यार करता था वो फिर कभी नहीं दिखा. द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रेन, येट ही लॉन्ग For his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. Giant जो था वो बच्चों के साथ बहुत दयालु विनम्रता से बिहेव करने लगा था. काफ़ी समय तक वो उसे याद करता, उसे मिस करता जो छोटा बच्चा था, और ख़ुद से ही कहता कि मैं बहुत टाइम बाद पता नहीं कब उसे देख पाऊँगा, जो छोटा बच्चा है पता नहीं मैं उसे कब देख पाऊँगा. ईयर्स वेंट बाई, कई साल बीत गए. एंड द जायंट ग्रो वेरी ओल्ड एंड फीबल, और जायंट जो है वो काफ़ी बूढ़ा और फीबल यानी कि कमज़ोर हो गया था. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, वो अब खेल नहीं पाता था. सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, और वो एक आर्म चेयर पर बैठता, एक बड़े से आर्म चेयर पर बैठता एंड वॉच द चिल्ड्रेन एट देयर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन, और वो देखता बच्चों को और अपने गार्डन को और एडमायर यानी कि उनकी तारीफ़ करते रहता. आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ही सेड, वो कहता कि मेरे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं. बट द चिल्ड्रेंस आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल हैं. वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक दिन ठंड का मौसम था, ठंड के मौसम में सुबह में जब जायंट जो है वो तैयार हो रहा था. ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, तो वो विंटर से अब नफरत नहीं करता था. फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग एस्लिप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, क्योंकि उसे पता था कि अभी जो है वो बसंत का मौसम अभी सो रहा है, वो कुछ टाइम बाद फिर आएगा. और वो विंटर से भी नफरत नहीं करता था और उसे ऐसा लगता था कि अभी जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो भी रेस्ट पे हैं, वो फिर खिलेंगे. सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वॉन्डर एंड लुकड एंड लुकड, सडनली वो क्या करता है कि अपनी आँखों को रब करता है और वो बाहर की ओर देखता है और वो आश्चर्य में पड़ जाता है. इट सडनली वॉज अ मार्वलस साइट, वहाँ जो था वहाँ का मौसम बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था. इन द फास्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम, वहाँ पे जो कॉर्नर का जो कॉर्नर था, लास्ट कॉर्नर, वहाँ पे सीन बहुत खूबसूरत बना हुआ था. वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सफ़ेद कलर की कलियाँ खिली हुई थी. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, जिसकी शाखाएँ गोल्डन थी एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और सिल्वर कलर के फ्रूट थे उसमें. एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे जो था वो प्यारा सा बच्चा था जिसे वो बहुत प्यार करता था. डाउन स्टेयर्स रन द जायंट इन ग्रेट जॉय, जायंट जो था वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो दौड़ते हुए बाहर जाता है. एंड आउट इनटू द गार्डन ही हैस्टेंड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और वो जल्दी से दौड़ता हुआ उस बच्चे के पास आता है. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रो रेड विथ एंगर, और जब वो उसके क्लोज जाता है, उसके पास जाता है, तो गुस्से से उसका चेहरा बिल्कुल रेड पड़ जाता है. एंड ही सेड, और जायंट गुस्सा हो जाता है और कहता है Who had here to want thee? वो कहता है कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें इस तरह तकलीफ़ देने की, किसकी ऐसी हिम्मत हुई. For on the palm sand of the child's hand were the prints of two nails, and the prints of two nails were on the little feet. उसके हाथ में और उसके हथेली में और उसके पैर में नाखूनों के निशान थे, दो नाखूनों के निशान थे. Who had dared to wound thee?
क्राइड द जायंट। फिर जायंट चिल्लाता है, किसकी ऐसी हिम्मत हुई जो तुम्हारे साथ ऐसा किया उसने, ये किसने किया है, टेल मी दैट, आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मुझे बताओ, मैं उसका जा कर के उसे काट दूंगा। और वो तलवार से उसे काटने की बात करता है और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है जायंट। नहीं, answered the child, नहीं, answered करता है वो बच्चा, but these are the wounds of love, ये तो प्यार की निशानी है, who art thou, said the giant, वो कहता है कि किसने ऐसा किया, कौन है वो, and a strange away fell on him, and he knelt before the little child, वो कहता है, वो उससे पूछता है, giant जो है, वो बच्चे से पूछता है कि तुम कौन हो, और फिर वो अपने घुटने के बल बैठ करके नीचे उस बच्चे के पास और सोचने लगता है कि आखिर ये है कौन। वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतनी तकलीफ़ लेने के बाद ये बच्चा कह रहा है कि ये प्यार की निशानी है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, और फिर जो है वो बच्चा जायंट को देख के स्माइल करता है, एंड सेड टू हिम, और उससे कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन, तो अब तुम्हें मेरे गार्डन में आना है, विच इज़ पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है। एंड वेन द चिल्ड्रंस रन इंटू इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चे जो थे वो दोपहर के टाइम जाते हैं वहाँ पे खेलने के लिए, दे फाउंड द जायंट लेइंग डेड अंडर द ट्री, तो उन वो पाते हैं कि जो जायंट था वो उसी पेड़ के नीचे, जो वहाँ एक कॉर्नर पे जो पेड़ था उसी पेड़ के नीचे मरा हुआ था, ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स, और उसका जो बॉडी थी, उसकी बॉडी वो पूरी तरह से वाइट सफ़ेद कलर की कलियों से, फूलों से भरी हुई थी।